जय हिंद दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर प्रॉब्लम ऑन द असाइनमेंट मॉडल, दैट इज़ ए स्पेशल केस प्रोडक्शन मैट्रिक्स प्रॉब्लम और इट कैन बी सेड एज प्रॉफिट मैट्रिक्स प्रॉब्लम. सो फर्स्ट आई विल रीड द प्रॉब्लम. अ फर्म प्रोड्यूसेस फोर प्रोडक्ट्स ए बी सी डी एंड देर आर फोर ऑपरेटर्स 1, 2, 3, 4 हु आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच ऑफ देम. द प्रोसेसिंग टाइम वेरीज फ्रॉम ऑपरेटर टू ऑपरेटर. The firm works 8 hours per day and it allows 30 minutes for the lunch. The processing time in minutes and the profit of each product is mentioned in the matrix. Find out the optimal assignment of the product to the operator to gain the maximum profit. Now, exam mein agar aisa problem aata hai, to how to identify whether it is assignment problem or koi dusra problem hai kya nahi. तो हम लोग ने एक अल्गोरिदम सीखा था, वो अल्गोरिदम को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू द ऑपरेटर, राइट. सो डेफिनेटली दिस इज़ द असाइनमेंट प्रॉब्लम. सेकंड, ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो हम लोग ने एक ओआर के कुछ गोल्डन वर्ड सीखे थे, तो उसमें से कुछ वर्ड ये प्रॉब्लम में है. सबसे पहला वर्ड है टाइम और दूसरा वर्ड यहाँ पे प्रॉफिट. मैंने आपको कहा था जहाँ पे भी अगर आपको टाइम दिखाई दे तो आपको मिनिमाइज़ करना है, और जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज़ करना है. नाउ इन दिस प्रॉब्लम दोनों का दोनों वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो क्या करना है. देखो, अगर ऐसा केस आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या पूछा गया वो देखना है. नाउ हियर इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन उन्होंने बोला है फाइंड आउट द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू द ऑपरेटर टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट. दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. ओके, तो हम लोग ने आइडेंटिफाई किया ये असाइनमेंट का प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. नाउ ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है कैसे आइडेंटिफाई करना है. हियर You can see there are four products A, B, C, D and there are four operators. बराबर, तो there are four operators and there are four products. So definitely ये balance problem है because number of rows are equal to number of columns. Now हम लोग ने identify किया कि ये assignment का problem है, ये maximization का problem है, ये balance problem है. But what is the meaning of this problem? Let us see. These are the four products A, B, C, D and these are the four operators 1, 2, 3, 4. अगर operator 1 अगर product A बनाता है तो एक product बनाने के लिए उसको 15 minute लगेगा. This is the meaning of this matrix. Okay? अगर operator 1 अगर product B बनाता है तो उसको 9 minute लगेगा एक product बनाने के पीछे. अगर ऑपरेटर 1 अगर प्रोडक्ट सी बनाता है तो उसको 10 मिनट लगता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए. वैसे ही अगर ऑपरेटर 2 अगर सपोज प्रोडक्ट सी बनाता है तो उसको 9 मिनट्स लगता है, एंड सो ऑन. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस मैट्रिक्स. नाउ लेट अस सी ये प्रॉफिट पर यूनिट का मतलब क्या है. अगर कोई भी ऑपरेटर 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी ऑपरेटर अगर प्रोडक्ट ए का एक क्वांटिटी बनाता है तो पर क्वांटिटी के पीछे पर यूनिट के पीछे कंपनी को 8 रुपया मतलब 8 रुपीज़ प्रॉफिट होगा. अगर ऑपरेटर 1, 2, 3, 4 में से कोई भी अगर प्रोडक्ट बी का एक क्वांटिटी बनाता है एक यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसको 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट होगा. नाउ हियर अगर कोई भी ऑपरेटर प्रोडक्ट सी का एक यूनिट बनाता है उसको 5 रुपया प्रॉफिट होगा, और कोई भी अगर ऑपरेटर 1, 2, 3, 4 में से कोई भी ऑपरेटर अगर प्रोडक्ट डी का आपको एक प्रोडक्ट बना के रहता है एक क्वांटिटी एक यूनिट बना के रहता है तो आपको कंपनी को 4 रुपया प्रॉफिट होने वाला है. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस रो. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव. Yes, we have to find out the assignment of the product to the operator, मतलब
कौन सा ऑपरेटर कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना चाहिए। और उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए कि ऐसा हम लोग को असाइनमेंट करना है कि कंपनी का प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, उन्होंने यहाँ पे एक क्ल्यू दिया है कि फर्म वर्क्स 8 hours पर डे एंड इट अलाउज 30 minutes फॉर द लंच। नाउ सी, यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आर्स में बात की है, यहाँ पे उन्होंने मिनट्स में बात की है, बराबर। नाउ कभी भी याद रखना, अगर टाइम का यूनिट अगर दो अलग अलग चीज़ों में दिया गया है तो आपको यूनिट एक ही रखना है। नाउ हियर व्हाट यू विल डू कि कंपनी वर्क्स 8 hours पर डे, मतलब कितना, 8 hours मतलब 480 minutes। सो एक कंपनी 480 minutes पर डे के हिसाब से वर्क करती है। एंड इफ़ द कंपनी गिव्स 30 minutes ऑफ अलाउंस फॉर द लंच, देन उसका प्रोडक्टिव टाइम कितना हुआ, 480 माइनस 30 minutes, दैट इज इक्वल टू 450 minutes। तो उन्होंने ये क्ल्यू हम लोग को दिया है। नाउ ये डेटा पकड़ के हम लोग ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी द टोटल वर्किंग टाइम इज इक्वल टू 480 minutes, अलाउंस फॉर लंच इज इक्वल टू 30 minutes, हेंस टोटल प्रोडक्टिव टाइम इज इक्वल टू 480 माइनस 30 minutes, दैट इज इक्वल टू 450 minutes पर डे। सो वी हैव फाइंड आउट द टोटल प्रोडक्टिव टाइम इन अ डे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोडक्शन मैट्रिक्स। प्रीवियस स्टेप में हम लोग ने फाइंड आउट किया था टोटल प्रोडक्टिव टाइम। ये स्टेप में हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे कि अगर ऑपरेटर वन को प्रोडक्ट ए का एक पीस बनाने के लिए अगर 15 मिनट्स लगता है तो वो दिन का कितना प्रोडक्ट बना सकता है। सो ऑपरेटर वन अगर प्रोडक्ट ए दिन का कितना पीस बनाएगा, टोटल प्रोडक्टिव टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन प्रोडक्ट, राइट। सो दिस विल बी 450 डिवाइडेड बाय 15। सो यहाँ पे आएगा 450 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30। देन वैसे ही ऑपरेटर वन अगर प्रोडक्ट बी का एक पीस बनाता है तो उसको 9 मिनट लगता है। तो अगर ऑपरेटर वन अगर प्रोडक्ट बी बनाता है तो दिन में कितना पीस प्रोड्यूस करेगा, 450 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, बराबर। वैसे ही 450 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 45। 450 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 75। 450 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 45। 450 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 75। 450 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 50। 450 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 75। 450 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज इक्वल टू 18। 450 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 30। 450 डिवाइडेड बाय 15, अगेन दैट इज इक्वल टू 30। 450 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज इक्वल टू 50।
450 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 30, 450 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 50, 450 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 45, 450 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 45। तो ये मैट्रिक्स को मैं थोड़ा कंप्लीट लिख लेता हूँ। दिस वॉज ए बी सी डी 1, 2, 3, 4 एंड ये चार प्रोडक्ट है और ये चार ऑपरेटर, ये हम लोग को यहाँ से मिले थे। और यहाँ पे नीचे है प्रॉफिट पर यूनिट, राइट। तो यहाँ पे मैं वैसे का वैसा लिखता हूँ, ये 8, 6, 5, 4। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट। सो इसका नाम है प्रॉफिट मैट्रिक्स। सो आई एम राइटिंग प्रॉफिट मैट्रिक्स। प्रोडक्शन मैट्रिक्स में हम लोग ने फाइंड आउट किया है कि ऑपरेटर वन अगर प्रोडक्ट ए बनाता है वो तो दिन का 30 पीस बनाता है, 30 पीस बनाता है। नाउ हियर यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट पर यूनिट। तो अगर ऑपरेटर ए अगर दिन का 30 पीस बनाता है तो कंपनी के लिए वो टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट करेगा, 30 × 8। सो यहाँ पे प्रॉफिट मैट्रिक्स में लिखना है पहला 30 × 8 दैट इज इक्वल टू 240। अगर ऑपरेटर टू अगर प्रोडक्ट ए बनाता है तो वो दिन का 45 पीस बनाता है और टोटल प्रॉफिट विल बी 45 × 8 दैट इज इक्वल टू 360 यूनिट्स। देन अगर ऑपरेटर थ्री प्रोडक्ट ए बनाता है तो दिन का वो 18 पीसेस बनाता है, सो द टोटल प्रॉफिट विल बी 8 × 18 दैट विल बी 144। देन अगर ऑपरेटर फोर अगर प्रोडक्ट ए बनाता है तो दिन का 30 पीसेस बनाता है, सो टोटल प्रॉफिट पर डे विल बी 30 × 8 दैट इज इक्वल टू 240 रुपीस। हियर वैसे ही अगर ऑपरेटर वन अगर प्रोडक्ट बी बनाता है तो दिन का 50 पीसेस बनाता है, सो टोटल प्रॉफिट विल बी 50 × 6 दैट इज इक्वल टू 300 रुपीस। वैसे हियर 75 × 6 दैट इज इक्वल टू 450 यूनिट्स, 30 × 6 दैट इज इक्वल टू 180 रुपीस, 50 × 6 दैट इज इक्वल टू 300, 45 × 5 दैट इज इक्वल टू 225, 50 × 5 250, 30 × 5 150, 45 × 5 दैट इज इक्वल टू 225। हियर 75 × 4 दैट इज इक्वल टू 300, अगेन 75 × 4 दैट इज इक्वल टू 300, 50 × 4 दैट इज इक्वल टू 200, 45 × 4 दैट इज इक्वल टू 180। नाउ वी हैव कन्वर्टेड द स्पेशल केस ऑफ प्रोडक्शन मैट्रिक्स इनटू अ सिंपल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो वी हैव कन्वर्टेड द प्रॉब्लम इनटू द सिंपल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी रिग्रेट मैट्रिक्स। रिग्रेट मैट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं टू कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो इन दिस स्टेप यू हैव टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम द हाईएस्ट आइडेंटिफाइड वैल्यू। सो 450 − 240 दैट इज इक्वल टू 210, 450 − 300 दैट इज इक्वल टू 150, 450 − 225 दैट इज इक्वल टू 225, 450 − 300 दैट इज इक्वल टू 150, 450 − 360 दैट इज इक्वल टू 90,
450 माइनस 450 दैट इज इक्वल टू 0, 450 माइनस 250 दैट इज इक्वल टू 200, 450 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 150, 450 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 306, 450 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 270, 450 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 300, 450 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 250, 450 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 210, 450 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 150, 450 माइनस 225 दैट इज इक्वल टू 225, एंड 450 माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 270. So the next step is the row minimization. In this step, you have to identify the smallest element from the each row and subtract that smallest respective element from that particular row. So pehla row mein sabse chota element is 150. So subtracting 150 from the entire row. So 210 minus 150 that is equal to 60. 150 minus 150 that is equal to 0, 225 minus 150 that is equal to 75, and 150 minus 150 that is equal to 0. In the second row, the smallest element is 0, so subtracting 0 from the entire row. 90 minus 0 that is equal to 90, 0 minus 0 that is equal to 0, 200 minus 0 that is equal to 200, 150 minus 0 that is equal to 150. Then in third row, the smallest element is 250, so subtracting 250 from the entire row, 306 minus 250 that is equal to 56, 270 minus 250 that is equal to 20, 300 minus 250 that is equal to 50, and 250 minus 250 that is equal to 0. In fourth row, the smallest element is 150, so subtracting 150 from the entire fourth row, 210 minus 150 that is equal to 60, 150 minus 150 that is equal to 0, 225 minus 150 that is equal to 75, and 270 minus 150 that is equal to 120. So the next step is the column minimization. In this step, you have to identify the smallest element from the column and you have to subtract that smallest element from that respective column. So in column number 1, the smallest element is 56. So subtracting 56 from the entire column. So here 60 minus 56 that is equal to 4. 90 minus 56 that is equal to 34. 56 minus 56 that is equal to 0. 60 minus 56 that is equal to 4. In second column, the smallest element is 0, so subtracting 0 from the entire column, here 0, 0, 20, 0. In third column, the smallest element is 50, so subtracting 50 from the third column, 75 minus 50 that is equal to 25, 200 minus 50 that is equal to 150, 50 minus 50 that is equal to 0, 75 minus 50 that is equal to 25. In last column, the smallest element is 0. So answer will be 0, 150, 0, and 120. So the next step is the test of optimality. If the number of straight lines are equal to order of matrix, then we can say the solution is optimal. So what are the rules to draw the straight lines? There are three rules. You can draw the straight lines horizontally or vertically. Second, you have to cover all the zeros by using the straight lines. And the third rule, that is the most important rule, that the number of straight lines should be minimum. And there was one thumb rule. Jahan pe jo row ya jo column mein sabse jyada zeros dikhai de, we can start drawing the straight line from that respective column or respective row. So in this second column, there are three zeros. And in the third row, there are three zeros. So I will start from here. ये तीन जीरोज़ मैंने कवर कर दिए, यहाँ पे मैंने तीन जीरोज़ कवर कर दिए, बचा एक ज़ीरो, ये
आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कवर कर सकते या एक वर्टिकल लाइन से कवर कर सकते। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी है। एज यू कैन सी द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 3 इज नॉट इक्वल टू 4, हेंस द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। When the solution is not optimal, you have to reiterate the matrix. So the next step will be reiterating the matrix. Now there are some rules for the matrix reiteration. You have to identify the smallest uncovered element from all the uncovered elements. You have to subtract the smallest uncovered elements from all the uncovered elements. You have to add the smallest uncovered element at the point of intersection, and you have to keep all the remaining elements as it is. So in this matrix, the smallest uncovered element is 4. So I will subtract 4 from all the uncovered elements. So here 4 minus 4 that is equal to 0. थोड़ा जगह छोड़ के 25 minus 4 that is equal to 21. Here 34 minus 4 that is equal to 30, 150 minus 4 that is equal to 146, here 4 minus 4 थोड़ा जगह छोड़ के 4 minus 4 that is equal to 0, 25 minus 4 that is equal to 21, here 20 plus 4 we have to add the smallest uncovered element at the point of intersection, so 20 plus 4 that is equal to 24, here 0 plus 4 that is equal to 4. So we have to keep all the remaining elements as it is. So here will be 0, 0, 0, 0, here 0, 0, 150 and 120. So after the reiterating the matrix, the next step will be again test of optimality. Again, test of optimality matlab, if the number of straight lines are equal to order of matrix, then the solution is optimal. So we have to draw the straight lines again. So I will quickly remind you the what are the rules to draw the straight lines. You can draw the straight lines horizontally or vertically. Second, you have to cover all the zeros by using the straight lines. And third, that is the most important rule, the number of straight lines should be minimum. Or there is one thumb rule, jo row ya jo column se sabse zyada zeros dikhai de, we have to start drawing the straight lines from that respective row or column. तो यहाँ पे column 1, column 2 and row 1 में 3 zeros हैं, so you can start from anywhere. तो मैं पहला column 1 को cover करता हूँ, फिर column 2 को cover करता हूँ, ये बचे 2 zeros, तो इसको cover करने के लिए मुझे वापस से 2 straight lines draw करना पड़ेगा. एक horizontal line खींचता हूँ, एक vertical line खींचता हूँ. So as you can see, number of straight lines are equal to order of matrix that is equal to 4 is equal to 4, hence the solution is optimal. When your test of optimality gets successful, the next step is assigning the zeros. The zeros assigning करने के लिए मुझे ये matrix वापस लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे products थे A, B, C, D और यहाँ पे operators थे 1, 2, 3, 4 और ये matrix में वैसे का वैसा लिख रहा हूँ. Now, यहाँ पे हम लोग को एक रो और एक कॉलम में एक जीरो असाइन करना है. Now, we can start from anywhere, from row 1 और कॉलम नंबर 1 और anywhere you would like to start. So, मैं हमेशा की तरह row 1 से स्टार्ट करता हूँ.
रो वन में 3 जीरोज है तो यहाँ पे असाइन नहीं हो सकता, रो टू में 21 जीरो है तो यहाँ पे असाइन हो सकता है। अगर मैंने प्रोडक्ट बी ऑपरेटर टू को दे दिया तो मैं ये प्रोडक्ट किसी और को नहीं दे सकता, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो विल गेट कैंसिल। नाउ हियर रो थ्री में 2 जीरो है तो इसका फैसला नहीं हो सकता, रो फोर में 1 ही जीरो बाकी है तो इसका फैसला हो सकता है, तो ये ज़ीरो में असाइन करता हूँ। तो अगर ये ज़ीरो असाइन किया तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो विल गेट कैंसिल आउट। देन कॉलम वन में असाइन हुआ है, कॉलम टू में असाइन हुआ है, लेट्स सी द कॉलम थ्री। कॉलम थ्री में 21 जीरो है तो ये ज़ीरो असाइन करता हूँ मैं, कॉलम फोर में 21 जीरो है तो ये ज़ीरो असाइन करता हूँ मैं। सो द लास्ट स्टेप इज़ द असाइनमेंट, सो आई एम राइटिंग योर असाइनमेंट। नाउ हियर आर द ऑपरेटर्स, और ये कॉलम में हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट। एज यू कैन सी ऑपरेटर वन को हम लोग ने असाइन किया है प्रोडक्ट डी, तो यहाँ पे लिखता हूँ डी। ऑपरेटर टू को असाइन किया गया है प्रोडक्ट बी, तो यहाँ पे लिखता हूँ बी। थ्री को असाइन किया है प्रोडक्ट सी, तो यहाँ पे लिखा हूँ थ्री। यहाँ पे ऑपरेटर फोर को असाइन किया गया है प्रोडक्ट ए। नाउ दिस इज़ दी मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। नाउ हम लोग को बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को निकालने के लिए हमें जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है उसका रेफरेंस लेना होगा। सो आई एम राइटिंग हियर प्रॉफिट। देन प्रॉफिट मैट्रिक्स में यहाँ पे मतलब रो वन और कॉलम फोर में वैल्यू इज 300, यहाँ पे वैल्यू इज 450, यहाँ पे वैल्यू इज 150, यहाँ पे वैल्यू इज 240। सो द टोटल प्रॉफिट विल बी 300 प्लस 450 प्लस 150 प्लस 240, दैट इज इक्वल टू 1140 रुपीज़, 1140 पर डे।